एफबीआर चीफ को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। खान साहब अपनी पॉलिसी को ठीक करें। नारे लग रहे थे कोहली तुझसे नहीं होगा, क्या आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा, मुआशियात से रिलेटेड फाइनेंस से रिलेटेड एक आला सतह का इजलास हुआ। सूबाई सिंध की तर्जुमानी, सूबाई सिंध की वकालत हमारे चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने की। कुछ गुजारिशात जो सूबाई सिंध की आवाम की जानिब से हमने वफाक के सामने रखी, वो मैं आपके सामने भी रखना चाहूँगा। वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों से पाकिस्तान के टैक्स आदा पूरे नहीं हुए और पाकिस्तानी मईशत का दिवालिया निकला है, और किस तरीके से तमाम मुश्किलात के बावजूद सूबाई सिंध ने अपने टैक्स टारगेट्स को मीट किया है, बल्कि ना सिर्फ मीट किया है बल्कि आउटग्रो किया है बाकी सूबों को। सूबाई सिंध ने 119 अरब रुपये की बजाय 126.7 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा किया है। ये 6% की ग्रोथ है दोस्तों, 6% की ग्रोथ, और ये वो ग्रोथ है जो कि ना सिर्फ वफाक ने, पंजाब ने, बलूचिस्तान ने, केपी में, इसका मवाजना कर लें तो ये साबित होगा कि सूबाई सिंध ने अपने टैक्स कलेक्शन में 6% का इजाफा किया है, और पंजाब ने और वफाक ने 0% इजाफा किया है। कोई बेहतरी इसमें नहीं आई है। नज़र ये आ रहा है कि साल के अख्तिताम तक तकरीबन 480 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा वफाक को अपने टैक्स रेवेन्यू टारगेट को कलेक्ट करने में। एफबीआर चीफ को चेंज करने से कुछ नहीं होगा। खान साहब अपनी पॉलिसी को ठीक करें, कौम को वादे पैगाम दे किस तरीके से आप टैक्स टारगेट को, रेवेन्यू टारगेट को बेहतर बना सकते हैं। और आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से 480 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हर सूबे पर भी आ रहा है। सवाल उठता है कि अगर आप एनएफसी की मद में 130 अरब रुपए सूबाई सिंध को, सूबाई सिंध की आइनी हुकूमत को, सूबाई सिंध की आवाम को नहीं देंगे तो कैसे सूबाई सिंध में डेवलपमेंट का काम हो सकेगा, फलाह बहबूद का काम हो सकेगा, हेल्थ सेक्टर में काम हो सकेगा? कि मुशीर ख़जाना को इस बात का नोटिस लेना चाहिए, उनका अपना ताल्लुक भी सूबाई सिंध से है, किसी ज़माने में वो सिंध के वज़ीर ख़जाना भी थे। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि थोड़ा सा हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखें, और वो 130 अरब रुपए फौरी तौर पर आप सूबाई सिंध की हुकूमत को दें, ताकि कम अज़ कम सूबाई सिंध की हद तक रमज़ान के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत गरीब आदमी को, आम आदमी को रिलीफ पहुंचा सके। कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था तो लॉर्ड्स के मैदान में, ओवल में नारे लग रहे थे कोहली तुझसे नहीं होगा, तो अब हम भी सिंध की जानिब से कह रहे हैं वफाकी हुकूमत से कि आपसे टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। जिस तरह आपने सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स इकट्ठा करने की सूबाई सिंध को इजाज़त दी है, उसी तरह सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, अशिया के ऊपर भी जो सेल्स टैक्स है उसको कलेक्ट करने का इख्तियार भी आप सूबाई सिंध की हुकूमत को दें, और सूबाई सिंध की आवाम को बिलखसूस महंगाई और NFC की मद में पैसे ना मिलने की शक्ल में जो मुश्किलात का सामना है उसका अजाला करें।